क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 41 से बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 41 से आज भी यही सूत्र यूज होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। आज भी यही सूत्र बार बार कई जगहों पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 नंबर में आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें है वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन के गुणनफल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस वीडियो का पहला सवाल, इसलिए मैं डी डी एक्स वगैरह लिख के आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी डी एक्स वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता जाऊँगा। आपको समझने के लिए, सहूलियत के लिए मैंने ये सब चीज़ें लिख दिया है। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है और एक्स से एक्स कैंसिल होगा। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हुआ वन प्लस लॉग एक्स का वन में मल्टीप्लाई होगा तो लॉग एक्स, ये इसका हो गया आंसर। अपनी सुविधा के लिए आप लोग याद रखें कि एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन प्लस लॉग एक्स। सुविधा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए आप लोग याद रखें हमेशा कि एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन प्लस लॉग एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स लॉग एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि ई पे पावर एक्स लॉग एक्स और टेन एक्स, यहाँ पर तीन फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीन फंक्शन के गुणा का अवकल गुणांक हम लोगों को पता नहीं है, मगर दो फंक्शन के गुणा का अवकल गुणांक पता है। तो इसमें हम शुरुआत के जो दोनों फंक्शन हैं इसको, जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और टेन एक्स को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लिखना है और इस बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन में पहले से ही दो फलन है, पहले से ही दो फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक यहाँ भी ज्ञात करना है, इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन होगा वन अपन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई पी पावर एक्स ब्रैकेट बंद। बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 7। यहाँ पर आपको ये मान लेना है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो अगर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का होगा वन और सेवन का होगा जीरो प्लस सेकंड फंक्शन लिख लेंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस 11x का होगा 11 और सेवन का होगा जीरो। तो बस मल्टीप्लाई करना बाकी है, वन का इसमें होगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 टू या 14x प्लस 77।
डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 3x2, 11x हो जाएगा 22x, और उसमें 14x ऐड करेंगे तो जाएगा 36x प्लस 77 में 7 को ऐड करेंगे तो जाएगा 84। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है y इक्वल टू लॉग एक्स विथ पावर एक्स। तो यहाँ पर एक लॉग का बेसिक फार्मूला है, लॉग एम पे पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं x लॉग x। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने शुरुआत किया 41 नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स का एक बिगड़ा होगा तो लॉग एक्स। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट 1 अपन वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू काट एक्स। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दोनों पक्षों का एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन होगा कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन होगा 1। तो फाइनली हमको मिल गया क्या, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध करना हमें, वहाँ पर 1/y इधर क्या है 1/y। तो इसमें इसके बगल में 1/y आएगा कैसे? जाहिर सी बात है कि 1/y तभी आएगा जब y से दोनों पक्षों में भाग दिया जाएगा। 1/y यहाँ पे तभी आ सकता है जब y से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स अपन वाई प्लस साइन एक्स अपन वाई। 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स अपन वाई का वैल्यू हम क्वेश्चन से लेंगे, यहाँ से एक्स साइन एक्स होगा। वाई का वैल्यू हम एक्स साइन एक्स लेंगे प्लस साइन एक्स अपन एक्स साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये बन गया अपना कॉट एक्स प्लस साइन एक्स कट गया, ये हो गया 1/x। तो नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे 1/y डिवाइड बाई डी एक्स और 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 1 माइनस का 1/x इक्वल टू कॉट एक्स। ये हो गया आपका प्रूफ। दिया है वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। इसमें भी हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। ये हम लोग देख सकते हैं, अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिख देंगे, सेकंड वाले डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन 2x इंटू 2x का अवकलन एक बार फिर से होगा तो इसका होगा मात्र 2 प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स का अवकलन लिखेंगे यहाँ कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू, इसको हम लोग सेट करते हैं, पहले लिखेंगे माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स प्लस कास एक्स इंटू कास टू एक्स। अब यहाँ जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आया है वाई, अगर वाई यहाँ रहा होगा, वाई लेफ्ट हैंड साइड में रहा होगा तो कैसे रहा होगा, रहा होगा एक बटा वाई, वाई ये बगल में रहा होगा यहाँ पे, तो कैसे रहा होगा एक बटा वाई, यानी इसमें भी हमें पता चल रहा है कि वाई से दोनों पक्षों में भाग देंगे। चलिए दोनों पक्षों में वाई से भाग दे देते हैं, तो एक बटा वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स अपॉन वाई प्लस कास एक्स इंटू कास टू एक्स अपॉन वाई। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स अपन वाई का वैल्यू, एक बार हम लोग फिर से वाई का वैल्यू यही लेंगे साइन एक्स इंटू कास्ट टू एक्स, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू रखेंगे साइन एक्स इंटू कास्ट टू एक्स प्लस इसी तरह यहाँ पर भी वाई का वही वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू है साइन एक्स इंटू कास्ट टू एक्स, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर कास्ट टू एक्स से कास्ट टू एक्स कटेगा, यानी वाई को अगर हम इधर ले जाना चाहें डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा वाई ब्रैकेट में, पहले हम प्लस वाला चीज़ लिखेंगे कास टू एक्स कट गया, कास बटा साइन होता है काट, इसको पहले लिख दें माइनस, यहाँ पे देखिए साइन से साइन कैंसिल, साइन टू एक्स अपन कास टू एक्स हो जाएगा टेन टू एक्स, माइनस का टू टेन टू एक्स प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स बेस ई, यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और ये सेकंड फंक्शन, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई, चूँकि डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए पी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, बस हो गया आंसर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस सेक एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन को, ये अलग क्वेश्चन था ये अलग क्वेश्चन था, दोनों को ला करके प्लस के माध्यम से यहाँ पर जोड़ दिया है, यानी दोनों का हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस चिन्ह लिखते जाएंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा टू एक्स प्लस, अब यहाँ पर भी ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड, तो हम फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन लिख देंगे वैसे, और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इसको लिख देंगे प्लस टू एक्स कास एक्स, कुछ करना नहीं बस वही प्लस माइनस मेंटेन करना है, प्लस वन अपॉन एक्स सेक एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू
6x इंटू 10x ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स। इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि हम इस ब्रैकेट को फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन। अगर ऐसा करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समस्या होगी, क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो जाएगा। मगर डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लें, गुणा करके इसको ईजी कर लें, उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो बहुत कम टाइम में आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप देखिए, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट, ओहो सॉरी 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 सॉरी, पहले तो मुझे गुणा करना था, रूट एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स से पावर आधा इधर है और एक घात इधर है, यानी हाफ पावर इधर है और वन पावर इधर है, दोनों ऐड हो जाएगा 3/2। फिर इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, बचेगा माइनस वन। अब इसका जब इसमें गुणा होगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, बचेगा प्लस वन। या फिर वन अपॉन एक्स का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस वन अपॉन एक्स पे पावर उतना ही आएगा जितना कि इसका इसका करने पाया था, एक घात यहाँ आधा घात यहाँ, यानी 3/2। ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो वाई इक्वल टू होगा एक्स पावर 3/2 माइनस, ये एक्स पे घात 3/2 ऊपर ले लेंगे तो एक्स पे घात माइनस 3/2 हो जाएगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आगे आ जाएगा 3/2 एक्स पे घात, इसमें से एक घटेगा तो बचेगा 1/2, और ये भी आगे आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 3/2 एक्स पे घात, इसमें से जब हम माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा -5/2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके रफ कार्य दिखाते हैं, -3/2 में से एक घटाएंगे तो 2 × 2 -3 - 2 हो जाएगा -5/2। अब लास्ट वाली लाइन बची हुई है, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 3/2 दोनों जगह से कामन हो जाएगा। अगर कामन होने लायक कोई चीज़ है तो कामन ज़रूर ले लेते हैं, बिना कामन लिए नहीं छोड़ते हैं, तो हमको भी मौका मिला है कामन लेने का, हम भी ले लेते हैं। एक्स पर घात 1/2 प्लस एक्स पर घात -5/2, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ये वाई बराबर दिया हुआ है 2√cot(x)² तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2√ में कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√, वही चीज़ जो रूट के अंदर लिखी हुई है, cot(x)² इंटू, अब रूट छोड़ करके cot(x)² का करेंगे तो जाएगा cosec²(x)² वो भी माइनस में, माइनस चिन्ह के साथ, और फिर से काट को छोड़ के एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हुआ 2x। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -2x इंटू कोसेक स्क्वायर को हम कर देंगे 1/sin²(x)² बटे में रूट को, काट वाले रूट को हम कर देंगे रूट में cos², बटे रूट में sin²। अब यहाँ पर इसका क्या रूल होता है, पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यानी -2x√sin², बटा दूसरे वाले का तीसरे वाले से गुणा करेंगे, यानी sin²(x)² इंटू रूट में cos²। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था कोसेक पर तो साइन पे स्क्वायर है, बाकी इस साइन पर स्क्वायर नहीं है, केवल एक्स पर स्क्वायर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम 2-3 बार लिख देंगे, जैसा कि अब लिख रहा हूँ, हम आप देखें -2x√sin²। अब पान ये साइन स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है मुझे, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, sin²(x)² इंटू sin²(x)² अब सोचेंगे कि तो साइन क्यों हो जाएगा, नहीं, जब इसको रूट बना देंगे ना तो ये दोनों मिलकर के sin²(x)² होंगे, जब इसमें गुणा होगा तब जाकर के इतना बनेगा ये, और इंटू का भी cos²(x)² पड़ा हुआ है। अब आप इस लाइन को ठीक से समझ लें,
साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर गुड़े साइन गुड़े साइन दो बार लिख सकते हैं, साइन यहाँ हुआ एक साइन यहाँ हुआ। अब साइन को हम कर्णी में भी दो बार लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर दो बार आ गया है। अब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो यही बात आएगी, तो देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स, और अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, एक रूट इससे कट चुका है ये बचा है, इंटू रूट में कास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम और करेंगे, रूट टू बाई रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी फार्मूला बन जाएगा, आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ एडजस्ट करेंगे माइनस टू रूट टू एक्स अपन, ये बाहर ही रहेगा और ये रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में है, हम चाहें तो एक ही रूट में तीनों को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कास एक्स, यानी हो जाएगा ये साइन टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और यही होगा आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप यूपी बोर्ड मैथ सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी वाली बटन बगल में आपको दिखती है इसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और उसके बाद घंटी वाली बटन नहीं दबाई है तो आपको हमारे वीडियो के अपडेट नहीं मिल पाएंगे। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाली बटन दबाई है वो तो ठीक है, लेकिन जितने लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाली बटन नहीं दबाई है वो लोग प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर पुनः सब्सक्राइब करें, उसके बाद घंटी वाली बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।